मशहूर पेंटर सारिका बंका की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी सत्व का उद्घाटन 9 अगस्त को नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई में किया गया, जहां कई सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित करके इस पेंटिंग के एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी की चीफ गेस्ट डॉक्टर सुवी मनीष स्वामी और मिस्टर जयस खड़े थे, जबकि यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में TV अभिनेत्री आशी कौर, सिंगर प्रवण वस, सिंगर सोनाली मिश्रा, सुशांत सिंह म्यूजिक प्रोफेसर उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। यहां पेंटर सारिका बंका ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि सारिका बंका ड्राइंग और पेंटिंग पिछले 21 से अधिक वर्षों से कर रही हैं। भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ सारिका बंका ने कैनवास पर विभिन्न अभिव्यक्तियों और भावनाओं को प्रस्तुत किया है। वह भारत और विदेशों में पुराने संस्करों, मंदिरों और महलों में मूर्तियों सहित कला के विभिन्न रूपों से प्रेरित हैं। उनके चित्रों में रंगों और ब्रश के कुशल उपयोग के साथ दुनिया में प्रेम, शांति, सद्भाव और एकता को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में सारिका कहती हैं कि सत्व दो शब्दों का मेल है, सत्य और तत्व। मुझे लगता है कि किसी भी मेरे जीवन के उद्देश्य मेरे सत्य की खोज करना है और इस यात्रा में मेरी मदद करने वाले सबसे आवश्यक हिस्से मेरे शांत आंतरिक और बाहरी 5 तत्व हैं। आप मेरे चित्रों के विस्तृत सत्व का सार देख सकते हैं। इस दौरान मौजूद अतिथियों का और क्या कुछ कहना था मीडिया से खास बातचीत में, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। हाँ जी, ये मेरा पहला सोलो एग्जीबिशन है और पेंटिंग की शुरुआत आप कह सकते हो कि हर इंसान में कुछ एक दबी हुई आर्ट होती है या दबी हुई भावना होती है, तो बस ये पेंटिंग मेरी उसी दबी हुई भावना का या कला का एक साकार रूप है जो आप महसूस कर सकते हो। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि पेंटिंग ईश्वर ने मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया है दुनिया के सामने ये मैसेज प्रोवाइड करने का या पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का। इसके लिए मैं ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। हाँ, ये तो मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद है, हमेशा हर सिचुएशन में, हर पल, हर क्षण कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे साथ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अध्यात्म तो उन्हीं से आया है। मैं उनके लिए बहुत उनको धन्यवाद अदा करती हूँ, उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने मिली है और उन्होंने बहुत अच्छे से एडमायर किया है, सब कुछ किया है। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी सारे सिंगर्स को, डॉक्टर साहब को, सुवी जी को, शशि दीदी को, सुशांत जी को, सबको बस मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सारिका जी से जो मेरी पहली मुलाकात थी वो मुझे आज भी याद है और मुझे लगता है कि ये परमात्मा का ही कोई रूप था जिन्होंने हमें मिलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे पेंटिंग्स मेरे थॉट्स में थे, ये क्रिएशंस मुझे लगता था, बट आई एम नॉट इन टू ऑयल पेंटिंग या शायद मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आई कुड नेवर पेंट। और बहुत बार हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा था कि मैंने कुछ सोचा होगा और सुबह उनका कॉल आया दैट्स विद दिस आई वांट टू पेंट। सो एक रिश्ता होता है जो पैदा होते ही इंसान अपने साथ ले के आता है। हमारे माता पिता हम उनसे नहीं बदल सकते, हमारा फैमिली हम नहीं बदल सकते, बट देर इज़ सम रिलेशन जिसे कहा जाता है डिवाइन रिलेशन। सो आई फील लाइक द सेम रिलेशन विथ हर एंड शी इज़ अ वंडरफुल बीइंग, शी हर सेल्फ इज़ अ ग्रेट मेडिटेटर। एवरी डे शी मेडिटेट्स एट लीस्ट फॉर 30-40 मिनट्स एंड वाइल डूइंग मेडिटेशन शी गेट्स सच काइंड ऑफ ब्यूटिफुल थाट्स एंड शी क्रिएट्स, शी पेंट्स the brahmand with such wonderful creations, great। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ इस
सुनील जी को देना चाहता हूँ, सारिका जी को देना चाहता हूँ. देयर इज वन स्टोरी बिहाइंड इट. आई नो सुवी जी, शी इज अ स्पिरिचुअल गुरु एंड शी इज अ फिलोसोफर. I take session from her. When I'm an honorary advisor for World Trade Center, Navi Mumbai. I'm a founder of JK Startup, Jaishkade Startup Support Center, and founder of Tribal Mart. So doing lots of activities and continuously programs, and most of charity and all. I'm a CSR director for Saidam Hospital. Recently we donate ambulance and all. But when we get a stress, especially for the corporate stress and all, we need some spiritual entrepreneurship. We are in a startup entrepreneurship, business entrepreneurship, entrepreneurship. In spiritual entrepreneurship, she is my guru. And when I saw a painting in her house is just like a temple, a spiritual, and a meditation studio in her home. And when I asked her about the painting, so she told me about the painting and meaning. It's very fantastic. And she introduced, she is a poet. When she is introduced with me, I'm really happy. And the painting, the spirituality and the painting, the emotion. I did my graduation for philosophy. Even I'm in corporate and I did my graduation in entire philosophy, especially in Indian philosophy. But when I saw that painting and spirituality and all, I introduced a former dean of JJ School of Art, Wagmare sir. Really fantastic, superb. And he, Suviji, me, Manishji, we give mentorship and hand-holding just because she is doing fantastic work. Her paintings are really good. And today, see today, her painting in his Nehru. जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप भी रंग भरती हैं, मेरा भी नाता रंग भरने का ही है, बस माध्यम अलग है. आप पेंट ब्रश से भरती हैं, मैं कलम से भरता हूँ. पिछले 10 वर्षों से कहीं उससे ज़्यादा ही वक्त हो चुका है. अपने गीतों के माध्यम से मैं भी रंग भरते आया हूँ, तो एक लगाव हमेशा रहा है मुझे रंगों से, चित्रकारिता से. मगर आपके माध्यम से, सारिका जी के माध्यम से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ. और यकीन मानिए, ऐसे भी बाय नेचर भी मैं बड़ा ब्लंट हूँ, अपनी बातें स्पष्ट रखता हूँ. बड़ी स्पष्टता से एक बात कहता हूँ, जो आकर आज यहाँ महसूस हुआ है कि तस्वीर में, हर तस्वीर में जो इतनी शांति और इतनी स्पिरिचुअलिटी है, वो हर जगह देखने को नहीं मिलती. तो आप कमाल हैं, अद्भुत हैं. कुछ नयापन देखने को मिला, और इस नयेपन में हमारी वो पुरानी बात है जो हमें अपने घर की दीवारों पर रखनी चाहिए. तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यकीन मानिए मैं हर कदम साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तो यहां जो जो कुछ भी है वो मेरा अपना है, मैं भी रंग ही भरता हूं. थैंक यू सर. जी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये कह सकते हैं कि कुछ ब्लेसिंग्स हैं हम पर. कल ही हमारा गाना रिलीज़ हुआ है, और यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर, और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, आप बहुत स्ट्रांगली खुद को कनेक्ट कर पाएंगे. और एक जो आज की दुनिया में पॉजिटिविटी की कमी होती जा रही है, इस तरह की पेंटिंग से आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी और भी ज़्यादा भरने वाली है. सो आई रियली, मुझे बहुत खूबसूरत लगी यहाँ की पेंटिंग्स. और मैम, आपके हाथों में जादू है, जैसे हमारे गले में जादू होता है वैसे आपके हाथों में जादू है. आई मस्ट से कि आई डोंट पेंट, ये ईश्वर की कृपा है जो पेंटिंग करवाती है. जी बिल्कुल, उन्हीं की कृपा होती है. हाँ जी, बाकी तो सब इंसान की तो. जी जरूर जरूर. दूध नहीं तो जल चढ़ाओ, जल भी नहीं तो मन लगाओ. बम बम के दम खम से हम तुम सारे नाचे दुनिया सारी. काशी का छोरा है कनखल की गौरा है. अरे काशी का छोरा है कनखल की गौरा है. हम तो मुफ्त के बाराती. अरे काशी का छोरा है कनखल की गौरा है. हम तो मुफ्त के बराती. टू बी ऑनेस्ट, लाइफ इज अ जर्नी एंड इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल जर्नी. एवरी सिंगल डे वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग वेरी क्रिएटिव विथ इनोसेंट माइंड विथ जेस्ट एंड with an attitude of unselfishness. This is possible to every single individual because the sun rises
and gives us an example to be like him. But unfortunately, we are so busy that we are blind. So time has come to open our eyes. The honorable artist has expressed each and every single way of leading life. ये मेरी दोनों माएँ हैं, ठीक है, ये मेरी जन्म देने वाली माँ है और ये मेरी मदर इन लॉ है. बट मैं आपको सच बताऊँगी, ये मेरी मदर इन लॉ है लेकिन मुझे आज तक कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरी मदर इन लॉ है. माँ से माँ जैसा ही रखा है हमेशा उन्होंने मुझे हर आस्पेक्ट में, हर ज़िंदगी के हर लम्हे में हमेशा प्रोत्साहित ही किया है. और ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, इन्होंने भी मुझे जो आप कह सकते हैं जो भक्ति भाव है, जो भी चीज़ है, वो उनके रूट यहीं पर ही है, यहीं से ही मिले हैं मुझे. तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे जीवन में मेरी दोनों माँओं से बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग हमेशा मिला है. हाँ जी, बचपन से इसको पेंटिंग की बहुत शौक थी. शुरू से सर के साथ सीखती थी, सर को भी बहुत, सर बहुत प्यार करते थे. स्कूल में ही बहुत पेंटिंग अच्छी बनाती थी. और आज मेरे इस माहौल के अंदर मैं मेरे गुरु, आप कह सकते हैं हमारे जो स्कूल के सर थे, ही इज़ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट राइट नाउ, मिस्टर एस बी पोला जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो भी मैंने कलर या ब्रश पकड़ना सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से. तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. ये मेरी बहू है, पर मैं इसको हरदम मेरी बेटी की जैसी मानी. ये इन्होंने भी बहुत मुझे बहुत प्यार दिया. कुछ भी मेरे से गलती होती है तो ये बोल देती है, और मेरे इससे गलती होती है उसको मैं बता देती, बेटा ऐसे तूने गलती किया, इसको ठीक कर. हम लोगों को गर्व है कि हम लोग ऐसे लोगों को, ऐसे जो जानते हैं कि ये उस टाइप का पेंटिंग है, इनका भी नाम है इस बेहतरीन, इतने गहराई से पेंटिंग बनाती है. सर, मेरी पेंटिंग को कोई शब्द तो आप ही दे रहे हैं. निशब्द हूँ. निशब्द हो जाना एक वो भाव होता है जो जब आप किसी कला में इस तरह डूब जाएं, जब भाव वो हो जाएं कि उसके डेप्थ को सिर्फ अनुभूत किया जा सके और उसे शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल हो जाए. तो यही हुआ मेरे साथ. कुछ दिन पहले मैं सारिका से मिली, लेकिन हम दोनों का कनेक्शन इस तरह से हो गया जैसे डिवाइन ग्रेस हो. और ऑल ऑफ अ सडन, चूँकि मैं स्पिरिचुअल राइटर हूँ और ये स्पिरिचुअल पेंटर, तो हमारी शायद गॉड ने उस तरह से डिसाइड किया था कि शायद हम मिल पाए और एक दूसरे के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ कर सके. मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं दो इंजीनियर्स के बीच में बैठ गई हूँ. सीरियस लेवल पे बता रही हूँ आपको, और दोनों के दोनों टेक्निकल पॉइंट टेक्निकली इतने एक्यूरेट हैं और मैं बिल्कुल भी टेक्निकली साउंड नहीं हूँ. तो बेटर रहेगा कि यही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें. ये मिस्टर मनीष स्वामी है और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर शशिकांत बंका है. देखो, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम टेक्निकली साउंड हैं, उसी तरीके से हम भी क्रिएटिविटी इतना नहीं समझते. बट ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे संपर्क, हमारी पत्नी क्रिएटिव आर्ट में एक्सपर्ट है. जितना प्रोत्साहन हम दे सकते हैं देने की कोशिश करते हैं. बाकी आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सारिका जी को काफ़ी समय से जानते हैं हम. लास्ट एग्जीबिशन भी उनका काफ़ी अच्छा रहा था. जहाँ तक कि टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से इसे कंपेयर करने की बात है, तो ये तो स्पिरिचुअलिटी तो अलग ही चीज़ होगी. सत को जो नाम दिया इन्होंने, काफ़ी सोच समझ के, स्पिरिचुअलिटी को सोच के ही इस एग्जीबिशन का नाम दिया गया है. और हर पेंटिंग में उनके एक डीप थॉट है. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.